नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल फुट का इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो यहाँ पे हमने ये 3 फुट रखे हुए जो कि सिंगल है, और 1 फुट हमने यहाँ पे मशीन में लगाया हुआ है, ये हमारे पास है डबल। तो यहाँ पर ये वाला फुट हम उतार देते हैं और फिर मैं आपको सभी जो फुट होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सिंगल फुट होता है उसमें दोनों एक साइड में कट होता है, इस तरीके से ये कट होगा और दूसरी साइड में इस तरीके से कट होगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड ये चलाया जा सकता है। जैसे हमें किसी भी साइड की पाइपिंग लगानी हो या मोती वाली लेस लगानी हो तो सिंगल फुट का ही इस्तेमाल करना होता है, अगर हम मोती वाली लेस या पाइपिंग लगाते हैं। और ये होता है डबल फुट, अगर हम पाइपिंग जैसे बनाते हैं तो डबल फुट से वो वाली फिनिशिंग नहीं आएगी जो कि सिंगल से आएगी। तो इनमें दिक्कत क्या आती है जब हम खरीदते हैं मार्केट से, ये एक मिलने को तो मिल जाता है 20 रुपये का या 25 रुपये का एक पीस मिल जाता है, 40 रुपये का ये सेट मिल जाता है, और सेट में ही ये मिलते हैं, 40 रुपये के 2 पीस मिल जाएंगे। लेकिन क्या दिक्कत आती है, जब हम इनको मशीन में लगाते हैं तो फिट नहीं बैठते। और ये वाले जो मैंने लिए हुए हैं 2 ओरिजिनल और ये एक है लोकल, लोकल आएगा 20-25 रुपये का, लेकिन जो अगर ओरिजिनल लें तो कम से कम 100 रुपीज़ का एक पीस आता है ये वाला। ये मैं आपको एक लगा के दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा इसका यूज कैसे करते हैं, आपने देखना है कैसे इसको लगाते हैं। यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम इसको जैसे नॉर्मल पैर लगाया जाता है ऐसे ही लगाते हैं, फिर इसको कर लेंगे यहाँ पर टाइट ऐसे हल्का सा। और यहाँ पे देखते हैं, जब हम यहाँ पे चलाएंगे तो ये जो नीडल है, जो सुई है, इसमें टच हो रही है इस तरीके से, ये देखो टच हो रही है। इसको हमें सेट करना होता, तो सेट कैसे करते हैं, इसको हल्का सा हम पैर को हल्का सा कुछ इस तरीके से कर देंगे हल्का सा, तो ये सुई बिल्कुल ठीक आ जाएगी। या फिर आपने क्या करना होगा, ये पैर आपको चेंज करना होगा, जो इस साइड का पैर है मैंने इसीलिए दूसरा लिया हुआ है जो लोकल इस मशीन में बिल्कुल फिट बैठा है, अपने आप ही ये सेट आ जाता है। और इसका खांचा जो होता है, इसका जो कट है थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ये ओरिजिनल है इनका हल्का सा कम होगा लेकिन ये बड़ा होगा, तो इसमें लोकल में और ओरिजिनल में ये फ़र्क होता है। तो कई बार मेरे सामने बात आती है, जैसे व्यूअर पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारी मशीन में सिंगल पैर नहीं चलता, वो क्यों नहीं चलता। हमें क्या करना होगा कि या तो हम हल्का सा इसको इस तरीके से घुमा ले, ये गज घूम जाएगा पूरा, मैंने तो ऐसा गज रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा ऐसे घुमा लो चाहे ऐसे घुमा लो, और इसको इस तरीके से रखा हुआ बिल्कुल ये ठीक रहता है। लेकिन कई गज टाइट होते हैं जो कि बार बार नहीं खोलते तो वो टाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने पहले ही सेट करना है, या तो मिस्त्री से पैर ले, ये सिंगल फुट मिस्त्री से ले, या फिर आपने मशीन में लगा के फुट चेक करना होता है। ये आते इन अलग अलग खांचे के हैं, जैसे खांचा इनका यहाँ से फिट बैठता है यहाँ पे, ये चीज़ गज में किस तरीके से सेट बैठती है, तभी हमारा यहाँ पे नीचे की साइड ये पैर ठीक बैठेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा लगा के दिखाऊंगा, ये लोकल वाला, ये लोकल है, ये यहाँ पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल सेट बैठेगा। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सेट बैठेगा यहाँ पे, हल्का सा हमने इसको सीधा करना है और कुछ नहीं, बस ये देखो। और इससे पाइपिंग भी बड़ी फिनिशिंग के साथ में निकलेगी। अब इसका यूज करना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो बता दिया मैंने सिंगल फुट और डबल फुट कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, अब बताता हूँ कैसे इसमें से इसकी हम पाइपिंग निकालते हैं। जैसे हमने ये कपड़ा लिया है, इसमें से कोई भी हम पट्टी निकाल लेते हैं, कोई भी कपड़ा लो इस तरीके से पट्टी निकाल लें। अब लेंगे ये डोरी, हमें पाइपिंग निकालनी है जैसे, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और जितना भी आपको फोल्ड लगाना है उतना फोल्ड लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पे नीचे की साइड दबाएंगे। ये धागा हमारा साइड में रहेगा ऐसे, और जब साइड में धागा रहेगा ये डोरी वाला, तो पाइपिंग हमारी अपने आप यहाँ पर बनती चली जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग आ रही है। तो यहाँ पे देखो, ये पाइपिंग हमने बना दी है, और ये फिनिशिंग वाली पाइपिंग होगी, मैंने अलग धागा इसलिए लगाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब बात करते हैं डबल फुट की, जो ये डबल वाला होगा, यहाँ पे हम पाइपिंग
अगर इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये धागा जो निडल है वो इस धागे में निकल जाती है, तो फिर उससे क्या होगा, पाइपिंग सही नहीं निकलेगी, ये इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी अगर हम डबल से यहाँ पे निकालते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे सिंगल फुट का ही इस्तेमाल करना है। और ये दोनों साइड के आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें से आप किसी भी तरीके से ये पाइपिंग बना सकते हो, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मेरा मेन मकसद था आपको समझाना कैसे हम सिंगल फुट को इस्तेमाल करते हैं और ये कितने रुपए का आता है। ये मैंने बताया आपको, ये 25 से 30 रुपए या 20 रुपए का मिल जाता है मार्केट में। और जिससे धागे लेते हैं, जैसे हम जहाँ पे भी धागे लेते हैं वही रखते हैं ये इस तरीके की मटेरियल, और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत आती हो कुछ समझने में, बिल्कुल वही कोई समझ नहीं आ रही है कोई भी चीज़, तो फिर दोबारा कमेंट करें, इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।